भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जंगलों के क्षरण और कृषि भूमि के विस्तार ने देश में मानव वन्यजीव टकराव की एक ऐसी समस्या को जन्म दिया है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। बाघ और सिंह जैसे बड़े मांसाहारी वन्य प्राणियों की एक बड़े भूभाग से विलुप्ति और वन्य प्राणियों के शिकार पर रोक के कारण कई वन्यजीव अब किसानों के लिए समस्या बन गए हैं। ऐसा ही एक वन्यजीव है रोजड़ा, कई लोग इसे नीलगाय भी कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या तेजी के साथ बढ़ी है और एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश के खेतों में विचरण करने वाले 35,000 से ज्यादा रोजड़े किसानों के लिए अब बड़ी समस्या बन गए हैं। रात को अत्यधिक सक्रिय रहने वाला ये वन्यजीव खेतों में घुसता है और रात भर में फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है। मसूर खाता है, धन्ना खाता है, गेहूं खाता है, चना खाता है, ये खाली रायडा नहीं खाता है। रायडा भी बहुत मैं बैठता था, सब तोड़ देता, ऐसी जगह कर देता। मेथी साग बिल्कुल कुछ भी नहीं रखता है, बहुत आदमी लोग पेरा देता है, रात दिन उनको आदमी चोरी करने आता है, ऐसा पेरा लगाता है। लाइट वगैरह 10-10, 15-15 गुली कुएं के एरे मेरे लगा दिया, खेत के तार लगा दिया, तो भी रोजड़ा नहीं मानता। फिल्म के अंदर में 21 रोजड़ा कम से कम 1,000 डोड़े खा जाता है। वो इतने बड़े डोड़े हैं तो वो खाने के बाद में वो फसल कुछ काम की नहीं रहती, जो भी निकलता है उस डोड़े के अंदर से निकलती है फिल्म। किसानों की बढ़ती परेशानी देखकर बिहार राज्य सरकार ने पेशेवर शिकारियों को बुलवाकर रोजड़ों से मुक्ति पाने की कोशिश की थी, जिस पर कई तरह के विवाद उठ खड़े हुए। लंबे समय से रोजड़ों से मुक्ति दिलाने की मांग कर रहे किसानों की कठिनाई को समझते हुए मध्य प्रदेश शासन निरंतर समस्या का हल खोजने को प्रयासरत था। गौर, चीतल, कृष्णमृग और बारहसिंघा को पकड़कर सफलतापूर्वक अन्यत्र बसाने में मिली कामयाबी के बाद विभाग कुछ इसी तरह इस समस्या को भी हल करना चाहता था। कोशिश ये भी थी कि ये तरीका ऐसा हो कि देश के अन्य रोजड़ा समस्या ग्रस्त क्षेत्र में भी इसे अपनाया जा सके। तय किया गया कि रोजड़ों को मारने की जगह अफ्रीका की बोमा तकनीक से उन्हें पकड़कर संरक्षित वन क्षेत्रों में छोड़ा जाए। बोमा एक वी आकार का विशाल बाड़ा होता है जो क्रमशः सकरा होता जाता है और अंततः उस ट्रक में खुलता है जिसमें वन्य जीवों को अन्यत्र ले जाया जाता है। लेकिन संरक्षित वन क्षेत्रों में इस तकनीक से वन्य जीवों को पकड़ना अलग बात है। ये ऑपरेशन खुले इलाके में चलाया जाना था और ये एक बड़ी चुनौती थी। वन विभाग ने रोजड़ों को पकड़कर अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। इसमें उन फॉरेस्टर्स को रखा गया जिन्हें ऐसे कामों का अनुभव था। कान्हा नेशनल पार्क में चीतल और बारहसिंघा जैसे वन्यजीव पकड़ चुके एक अनुभवी फॉरेस्टर रजनीश कुमार सिंह को इस ऑपरेशन की कमान सौंपी गई। विगत वर्षों में हमारे विभाग ने पहले गौर, फिर बारहसिंघा और बाद में चीतलों को ट्रांसलोकेशन करने में काफ़ी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। कान्हा, बांधवगढ़ और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से हमने जो चीतलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया, उससे विभाग में ये भरोसा जगा कि उसी मेथड में थोड़ा बहुत बदलाव करके हम रोजड़ों को भी खेतों से पकड़कर उन्हें संरक्षित क्षेत्रों में छोड़ सकते हैं। पूर्व में वन्य जीवों को पकड़ने के लिए पैसिव कैप्चर तकनीक का उपयोग किया गया था। इसमें उन्हें पहले एक बड़े बाड़े में घेर कर लाया जाता है और कुछ समय बाद उस बाड़े के अंदर बने एक छोटे बोमा के माध्यम से परिवहन ट्रकों में चढ़ा दिया जाता है। किंतु प्रदेश के कई जिलों में फैली रोजड़ा समस्या को देखते हुए ऐसी पद्धति का उपयोग किया जाना जरूरी था जो कम समय और कम लागत में बेहतर परिणाम दे सके और जिसे अन्य स्थानों पर भी उपयोग में लाया जा सके। इन बातों का ध्यान रखते हुए मास कैप्चर टेक्निक को स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकसित करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले रोजड़ों के झुंड को कभी इस तरह नहीं पकड़ा गया था। खुले इलाकों में बोमा तकनीक से रोजड़ा पकड़ना एकदम नया विचार था
और कोई नहीं जानता था कि रोजड़े कैसा व्यवहार करेंगे और ऐसा हो भी पाएगा या नहीं। बहुत सोच विचार के बाद इस टीम ने मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर स्थित मंदसौर जिले के गांव एरा को इस प्रयोग के लिए चुना। आसपास के अन्य कई गांवों की तरह इस गांव में भी रोजड़े बड़ी समस्या है। अर्धशुष्क इस इलाके में खेती का काम बेहद मुश्किल भरा है और विपरीत हालात में किसान यहां मुख्यतः सरसों, मसालों और अफीम की खेती करते हैं। भरपूर सुरक्षा के बाद भी रोजड़े खेतों में घुस जाते हैं और फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। रात भर आसपास के खेतों में चरने वाले रोजड़े सुबह की रोशनी फैलते ही खेतों के बीच स्थित एक छोटे से ऊंचे पठारी वन क्षेत्र में पनाह ले लेते हैं। अफ्रीका की बोमा तकनीक से वन्यजीव पकड़ने के लिए ये पठारी भूभाग एकदम सटीक था और पकड़े गए रोजड़ों को छोड़ने के लिए गांधी सागर सेंचुरी जैसा सुरक्षित इलाका यहां से मात्र 125 किलोमीटर दूर था। रोजड़ा समस्या से प्रभावित उज्जैन सर्किल के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पहले फॉरेस्टर्स ने अधिकारियों को अपनी योजना बताई, फिर जाकर एरा गांव में डेरा डाल दिया। रोजड़ों को पकड़ने के लिए लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले पठार में बोमा लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में ही लगाया जाना था। अतः रोजड़ों को पकड़ने के लिए बोमा सही जगह सही तरीके से लगाना बेहद जरूरी था। हवा के रुख, रोजड़ों के आने जाने के रास्ते, पानी पीने और आराम करने की जगह के अलावा वहां तक परिवहन ट्रकों के पहुंचने के बारे में विचार करने के बाद आखिर सबसे सही स्थान पर बोमा लगाने के लिए जगह तय कर बोमा निर्माण शुरू कर दिया गया। विशेषज्ञ दल ने अफ्रीका की मास कैप्चर तकनीक में स्थानीय जरूरत के मुताबिक कई फेरबदल किए और हेलीकॉप्टर के अलावा मानवीय श्रम एवं घोड़े का उपयोग करने का निर्णय लिया। परेशान किसान रोजड़ों से छुटकारा पाने के लिए फॉरेस्टर्स को हर संभव सहयोग देने को तैयार थे। ये देखते हुए विशेषज्ञों ने उन्हें कई दिनों तक प्रशिक्षण दिया। इस दौरान एरा के खेतों के बीच स्थित पठार पर एक विशाल बोमा बनाकर तैयार कर लिया गया। लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए बोमा का दूसरा खुला हुआ सिरा करीब 0.5 किलोमीटर चौड़ा था। बोमा के दोनों सिरों के बीच थोड़े थोड़े अंतराल में 4 बड़े पर्दे थे जिन्हें कर्मचारियों की मदद से खोला और बंद किया जा सकता था। आखिर वो दिन आ ही गया जब रोजड़ों को पकड़ा जाना था। ऑपरेशन के लिए 15 दिसंबर 2016 को ग्रामीण एकत्रित हुए। उनके साथ 25 घुड़सवार भी आए थे। ये देश में अपनी तरह का एक अनूठा अभियान था। इसमें पहली बार स्थानीय जनशक्ति को सरकारी मशीनरी से जोड़ा गया था। इस टीम को फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले वन्य जीवों को पकड़ना था। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था। ऑपरेशन शुरू करने के पहले फॉरेस्टर्स ने एक बार फिर ग्रामीणों तथा वनकर्मियों को पूरी योजना समझाई। कुछ ही देर बाद करीब 100 से अधिक ग्रामीण और 50 वनकर्मी 25 घुड़सवारों के साथ अपने अपने मोर्चे के लिए रवाना हो गए। ग्रामीणों और घुड़सवारों को अपनी ओर आते देख रोजड़े उस तरफ बढ़ने लगे जो खाली नजर आ रहा था। रुके हैं सर, कुछ इधर आ रहे हैं धीरे धीरे। फर्स्ट बाहर अंदर आ गया है। धीरे धीरे करीब 100 रोजड़े बोमा के मध्य जा पहुंचे। रोजड़े जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उन्हें सकरा बोमा मिलता गया।
अचानक ही उन्हें खतरे का आभास हुआ और पर्दे बंद हो पाने के पहले ही वे पलट कर बोमा के खुले इलाके की ओर तेजी से भागते चले गए। देखते ही देखते ग्रामीणों और फॉरेस्ट टीम के सामने से भागते हुए सभी रोजड़े बोमा के बाहर निकल गए। उस दिन तमाम कोशिशों के बाद एक भी रोजड़ा नहीं पकड़ा जा सका। खुले इलाकों में आजादी से घूमने वाले रोजड़ों को मास कैप्चर तकनीक से पकड़ने की यह पहली कोशिश थी और रोजड़ों ने फॉरेस्टर्स के अनुमान के विपरीत आचरण किया था। इस ऑपरेशन की तैयारियों के दौरान फॉरेस्टर्स ने गौर किया था कि रोजड़े घुड़सवारों को 10-15 मीटर तक पास आने देते हैं और उनके इससे अधिक पास आने पर वे भी और आगे बढ़ जाते हैं। रोजड़ों की इस आदत का फायदा उठाते हुए फॉरेस्टर्स ने घुड़सवारों के सहारे उन्हें पहले पर्दे के अंदर करने की रणनीति बनाई थी। योजना थी कि पर्दे के अंदर आने के बाद घुड़सवार उन्हें इसी तरह आगे घेर कर ले जाएंगे, किंतु रोजड़ों ने आशा के विपरीत घुड़सवारों को पास आते देखकर बोमा के भीतर की ओर तेजी से दौड़ लगाई और एकाएक सामने सकरी गली देखकर वे वापस बोमा के बाहर की ओर भाग गए। मौके पर ही की गई समीक्षा में फॉरेस्टर्स एकमत थे कि यदि बोमा में बीच तक पहुंचे रोजड़ों पर कुछ घुड़सवारों ने अचानक दबाव बनाया होता तो रोजड़ों को पकड़ना आसान हो जाता। रोजड़ों की रफ्तार देखते हुए फॉरेस्टर्स समझ गए थे कि घुड़सवारों के लिए भी लंबी दूरी तक उनका लगातार पीछा करना मुश्किल काम है, इसलिए अगली कोशिश के पहले बोमा के बीच में दोनों तरफ गेट बनाने और 3-3 घुड़सवारों के साथ 10-10 ग्रामीणों को तैनात करने का निर्णय लिया गया। योजना यह थी कि अगली बार जब आधी दूरी तय करने के बाद रोजड़ों का पीछा कर रहे घोड़े थकने लगेंगे तो उनकी जगह नए घुड़सवार ले लेंगे। इससे रोजड़ों को मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा और पकड़े जाएंगे। पहले दिन की नाकामी से टीम के मन बुझे हुए थे। अगली सुबह फॉरेस्टर्स ने टीम के साथ बैठकर अपनी नई रणनीति समझाई और उनमें नया जोश भरा। इसके बाद सभी ने नए सिरे से अपने अपने मोर्चे संभाल लिए। ग्रामीणों और घुड़सवारों की कुछ देर की ही मेहनत में रोजड़ों का एक झुंड भागता हुआ बोमा के अंदर आ गया। जब रोजड़े बोमा के मध्य में आ गए तो अचानक दोनों तरफ से घुड़सवारों के दल निकले, जिन्हें देखकर रोजड़े ट्रक की ओर भागते चले गए। सही वक्त पर बोमा के सभी पर्दे लगा दिए गए और व्हील गेट बंद कर दिया गया। ऑपरेशन के दूसरे दिन पहली कोशिश में 7 रोजड़े पकड़ लिए गए। अगली कोशिश में 2 और रोजड़ों को पकड़ा गया। इस प्रकार भारतीय वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में 16 दिसंबर को नया अध्याय लिख दिया गया। देश में पहली बार रोजड़ों का एक झुंड खुले इलाके में एकदम सुरक्षित पकड़ लिया गया। कुछ ही देर बाद उन्हें चंबल नदी के किनारे स्थित गांधी सागर सेंचुरी रवाना कर दिया गया, जहां रोजड़े मुक्त कर दिए गए। ऑपरेशन के तीसरे दिन 17 दिसंबर को रोजड़ा पकड़ने के लिए अफ्रीका की ही तरह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाना था। देश में इससे पहले वन्यजीवों को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर का इस तरह उपयोग कभी नहीं किया गया था।
इस निराले प्रयोग को आजमाने के लिए अधिकारी और ग्रामीण सभी रोमांचित और उत्सुक थे और आसपास के गांवों से भारी भीड़ मौके पर आ गई थी। निश्चित समय पर एरा गांव में बने हेलीपैड पर उतरे हेलीकॉप्टर के चालक दल के साथ फॉरेस्टर्स ने मीटिंग की और उन्हें अपनी योजना समझाई। ऊंचे नीचे पठार पर छोटे बड़े वृक्षों के ऊपर आड़े टेढ़े ढंग से बहुत नीचे हेलीकॉप्टर उड़ाना हेलीकॉप्टर चालक दल के सामने बड़ी चुनौती था। अफ्रीका के गेम रिजर्व में ये रोजमर्रा का सामान्य काम है, लेकिन भारत में क्या कोई हेलीकॉप्टर चालक रोजड़ों को खुले इलाकों से घेरकर बोमा तक ला पाएगा? सबको इस प्रश्न का उत्तर अगले कुछ घंटों में मिलना था और इसी के साथ तय होना था कि आने वाले दिनों में वन्य जीव संरक्षण की दिशा क्या होगी। लेकिन हेलीकॉप्टर चालक दल कल्पना से हटकर दक्ष साबित हुआ। हेलीकॉप्टर ने इतनी नीची उड़ानें भरी कि वृक्षों की आड़ में उसका नजर आना बंद हो गया और धूल उड़ने लगी। रोजड़ों के बिल्कुल सिर पर उड़ता हेलीकॉप्टर, उसकी अजीब आवाज और हवा के प्रेशर ने उन पर वही असर दिखाया जिसका अनुमान फॉरेस्टर्स लगाए बैठे थे। डरे घबराए रोजड़े उसी बोमा की ओर भागे जहां चालक दल उन्हें ले जाना चाहता था। बोमा के मध्य पहुंचे रोजड़ों के एक समूह को एक बार फिर खतरे का एहसास हुआ और वो वापस बाहर की ओर भाग निकला। वे इतना डर गए थे कि हेलीकॉप्टर चालक की कई कोशिशों के बाद भी उन्हें फिर से बोमा में नहीं लाया जा सका। अफ्रीका में मास कैप्चर पद्धति में हेलीकॉप्टर उपयोग करने का उन्हें बहुत लंबा अनुभव है और इसलिए वे केवल हेलीकॉप्टर की मदद से ही जानवरों को हांकते हुए बोमा के भीतर ले आते हैं। लेकिन भारत में हमारे लिए ये अपने तरह का पहला अनुभव था और इसीलिए हमने हेलीकॉप्टरों के साथ सीमित मात्रा में आदमियों को और कुछ घोड़ों को भी लिया। और इस बार फिर हमने कोशिश की, जब पहले 3, 4 या 5 किलोमीटर तक दूर जा चुके रोजड़ों को भी हेलीकॉप्टर की मदद से हाँका करते हुए बोमा के भीतर लाया गया और जैसे ही रोजड़े बोमा के भीतर आए, पहले अजमाई हुई पद्धति के अनुरूप आदमी और घोड़े उनके पीछे लग गए और उन्हें हाँकते हुए वो पर्दों के भीतर ले आए। रोजड़ों का जो समूह बोमा में आ गया था उस पर घुड़सवारों, ग्रामीणों और हेलीकॉप्टर से इतना दबाव बनाया गया कि वे आगे भागते हुए चले गए। बीच में लगाए गए पर्दों के गेट पर तैनात टीम ने हाथ हया मौका नहीं जाने दिया और एक एक करके चारों पर्दे बंद कर दिए। इन मनोवैज्ञानिक बाधाओं से घबराकर भागते हुए रोजड़े आखिर व्हील गेट को पार कर गए और उसे भी बंद कर दिया गया। हैरान कर देने वाले तरीके से एक रोजड़ा उछला और करीब 3 मीटर ऊंचा बोमा फांदकर बाहर कूद गया। बाकी 12 रोजड़े पकड़ लिए गए। ग्रामीणों में भारी खुशी की लहर फैल गई। दीवानगी से भरे ग्रामीणों की भीड़ उस ट्रक की ओर दौड़ी
जिसमें रोजड़े बंद कर दिए गए थे। रोजड़ों को अलग अलग कंपार्टमेंट में बंद कर उन पर कलर डाला गया ताकि गांधी सागर सेंचुरी में उनकी मॉनिटरिंग आसानी से की जा सके और यदि वे सेंचुरी से बाहर निकलें तो उन्हें पहचाना जा सके। कुछ ही पलों में सभी रोजड़ों को गांधी सागर सेंचुरी रवाना कर दिया गया। इसके बाद एक कोशिश और की गई लेकिन हेलीकॉप्टर चालक दल ने कई किलोमीटर चक्कर लगाने के बाद बताया कि पूरे पठार पर दूर दूर तक रोजड़े नजर नहीं आ रहे हैं। समीक्षा बैठक में फॉरेस्टर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि पठार पर लगातार 3 दिनों से चल रही अप्रत्याशित गतिविधियों से डरकर रोजड़े वहां से दूर भाग गए हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए ऑपरेशन रोक देना चाहिए। देर शाम रोजड़ों से भरे ट्रक के गांधी सागर सेंचुरी पहुंचने के बाद रात में ही रोजड़ों को वहां मुक्त कर दिया गया। लगभग 10 दिनों बाद ग्रामीणों एवं घुड़सवारों की मदद से फिर से रोजड़ा पकड़ने का अंतिम प्रयास 26 दिसंबर को किया गया और 6 रोजड़े पकड़कर गांधी सागर सेंचुरी भेज दिए गए। जब हम प्रोबेशन में थे 82 में तो हम लोग यूपी में गए थे, तब हमको ये बताया गया था कि ये नील गाय खेत में जाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, किसान परेशान रहते हैं। 82 के बाद अब 2017 हो गया, आज भी वही प्रॉब्लम है। जो उनका जो प्रिडेशन होता है, जिनको जो मारने वाले जानवर हैं, वो अभी कम हो गए हैं या एटलीस्ट ओपन एरिया में नहीं है, वो जंगल में है तो वो मरते नहीं हैं। और जंगल में जाने से वो नेचुरल सराउंडिंग रहेगी, खाने की तंगी रहेगी, प्रिडेटर्स रहेंगे, तो नेचुरल बैलेंस सिस्टम आ जाएगा, जो बैलेंस सिस्टम यहाँ नहीं है। हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि जहाँ जिस गांव के अंतर्गत जाएं वहाँ पर अधिकांश रोजड़े अगर हम बोमा के माध्यम से पकड़ सकते हैं तो उनको बोमा के माध्यम से पकड़ लें, निकटस्थ क्षेत्र में छोड़ दें, छोड़ने के पहले उनका ऑपरेशन करें ताकि उनकी संख्या ज़्यादा ना बढ़ सके। हो सकता है इसके लिए हमको वहाँ पर फेंसिंग लगानी पड़े, फेंसिंग लगाने के उपरांत भी उनके कोई जो नेचुरल प्रेडेटर हैं, जो कुछ उनके बच्चों को प्रेडेट कर सकते हैं, जैसे कि वुल्फ है, या बड़े प्रीडेटर हैं जैसे कि टाइगर है और पैंथर है, उनको भी हम उन बाड़ों के अंतर्गत छोड़ना चाहेंगे कालांतर में। चिकित्सक लोगों से परामर्श करने के उपरांत में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि क्या भविष्य में इसके लिए कोई वैक्सीन विकसित कर सकते हैं हम लोग, जिससे कि उनकी जो प्रजनन क्षमता है उसके अंतर्गत कमी की जा सके। जो शेष रोजड़े खेतों में बचेंगे उनको हम से ट्रैंकुलाइज करके भी वहाँ से हटाना चाहेंगे, ताकि जिस गाँव में एक बार रोजड़ा हटाए तो उस गाँव की समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो सके। I'm sure.